हेलो बच्चों, जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं विवेक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सेंचुरी डिफेंस एकेडमी के एमएनएस के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि एमएनएस का जो हमारा चैनल है, इस चैनल में रेगुलर एक वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं रिगार्डिंग आपके नीट एग्ज़ाम के, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो। और उसी सीरीज़ के दौरान आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को भली भांति पता होगा कि इसके पहले वाला वीडियो जो हमारा आप सबके सामने आया था, उसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट वन डिस्कस किया था। नाउ अभी की क्लास में बच्चों हम लोग ईएमआई का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। अब सर, इस क्लास में हम लोग स्पेशल क्या पढ़ेंगे, क्या है इस क्लास में स्पेशल, क्यों हम ये वीडियो देखें? तो मैं आप सबको बता दूं कि इस क्लास में मैं आप सबके सामने ईएमआई के जितने भी फॉर्मुलेज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो मुझे ध्यान में रहने चाहिए नीट एग्जाम के पहले और नीट एग्जाम की तैयारी करते हुए, वो सभी फॉर्मूले मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। मैं उन छोटी छोटी बातों को लेके चलूंगा जो बच्चे यूजली उसको इग्नोर कर देते हैं या उनका उस चीज़ों पे ध्यान नहीं होता है, जिसके कारण उनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ईएमआई चैप्टर की बात करें तो चैप्टर बहुत ईजी है। यही एक चैप्टर है जो बेस बनता है ऑल्टरनेटिंग करेंट का। ऑल्टरनेटिंग करेंट मुझे अगर समझना है तो मुझे ईएमआई बहुत अच्छे से आना चाहिए। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, नीट के लिए तो बेस्ट चैप्टर मैं इसे कहूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं ईएमआई का। अच्छा, क्रूशियल चैप्टर है नीट के लिए, ऑलरेडी हम लोगों ने मैंने आपको बता ही दिया, पार्ट टू हमारा है। पढ़ते हैं आगे बेटा। सबसे पहले इस चैप्टर की अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहले लास्ट वीडियो भी मैंने आपसे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और अभी फिर से कहता हूँ, सबसे पहले जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो होती है इस चैप्टर में फैराडे लॉ से। अब फैराडे ने ऐसा क्या कर दिया कि जो इस चैप्टर की शुरुआत फैराडे से ही हो रही है? बेटा, फैराडे ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी मूविंग कंडक्टर में, किसी भी क्लोज लूप में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, उस ईएमएफ के प्रोडक्शन का, उस ईएमएफ के प्रोडक्शन का कॉज क्या है, किस कारण वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। उन सभी एक्सपेरिमेंट को अगर हम समअप कर दें तो तीन एक्सपेरिमेंट में हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि पहला एक्सपेरिमेंट क्या था। फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने एक क्लोज लूप रखा, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक मैग्नेट को बहुत तेजी से उसके पास लेके आए, फिर दूर लेके गए, फिर पास लेके आए। और इस दौरान उन्होंने नोटिस किया कि भैया जब भी मैग्नेट मूव कर रहा है ईएमएफ बन रहा है, जब भी मैग्नेट मूव कर रहा है ईएमएफ बन रहा है। डन। उसके बाद फैराडे ने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने एक कॉइल लिया, क्लोज लूप लिया, इसमें गैल्वेनोमीटर उन्होंने अटैच कर दिया और इसके बगल एक और कॉइल लेके आए और जिसमें क्या लगा हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ था। और जैसे ही वो इस कॉइल को इसके पास मूव कराते हुए लेके आ रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गया। डिफ्लेक्शन, अभी तक क्या था एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में, वो सिर्फ एक बार मैग्नेट लेके आ रहे थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके पास जोर से स्पीड से डिफ्लेक्शन हो गया, दूर ले जा रहे थे, डिफ्लेक्शन हो गया। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक करंट कैरिंग कॉइल के लूप को इसके पास लेके आए और क्या नोटिस किया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो गया। इसके बाद तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया बेटा, तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ये करंट कैरिंग कॉइल तो थी ही, साथ में यहाँ पे उन्होंने की लगा दिया, साथ में यहाँ पे उन्होंने की लगा दिया। अब क्या नोटिस किया उन्होंने, फैराडे ने क्या नोटिस किया, जैसे ही वो इस स्विच को क्लोज कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन शुरू, जैसे ही स्विच को ऑफ किया मतलब ओपन किया वैसे ही डिफ्लेक्शन फिर हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, फिर की को क्लोज किया मतलब स्विच ऑन किया फिर डिफ्लेक्शन नोटिस हुआ, फिर की को ओपन किया फिर डिफ्लेक्शन नोटिस हुआ। यहाँ पे फैराडे का दिमाग घूम गया, उन्होंने एक चीज तो पक्का समझ ली, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और टू से उन्होंने ये समझा था कि किसी भी करंट कैरिंग लूप में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन। कैसा मोशन बच्चों, रिलेटिव मोशन। किसका रिलेटिव मोशन होना चाहिए, आइदर बार मैग्नेट और करंट कैरिंग लूप। इसके बाद तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि अब तो हम लूप को मूव भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं और यहां पे मुझे डिफ्लेक्शन मिल रहा है, मतलब यहां पे बेटा करंट भी फ्लो हो रहा है। ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है? कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहां पे फैराडे को एक बात समझ में आती है कि बच्चों ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन हो, ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए मस्ट है कि वहां पे बेटा फ्लक्स चेंज हो, फ्लक्स का रेट चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में।
ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने फैराडे थर्ड लॉ से निकाला। और उसके बाद अगर मैं तीनों लॉ को मर्ज कर दूं, तीनों लॉ को समअप कर दूं, अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये ईएमएफ क्या होता है। बेटा अगर कोई भी सर्किट है तो उसमें अगर प्लग्स आप चेंज करोगे, चाहे वो सर्किट क्लोज लूप के फॉर्म में हो, सर्कुलर फॉर्म में हो, या बार मैग्नेट के फॉर्म में हो, अगर उसमें तुमने प्लग्स चेंज किया तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई रॉड है, मैं कह रहा हूँ इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे अलग अलग पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, एक तरफ प्लस हो जाएगा, एक तरफ माइनस हो जाएगा। और इसी रॉड में अगर मैंने कनेक्शन कर दिया, मतलब यहाँ पे वायर जोड़ दिया और एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो पोलैरिटी का अलग होना, पॉजिटिव और नेगेटिव का अलग होना, एक पोटेंशियल क्रिएट होना, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो यही बात फैराडे को समझ में आ गई थी कि अगर आप फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, और अगर सर्किट क्लोज हुई बच्चों, सर्किट क्लोज हुई तो वहां पे करंट फ्लो हो जाएगा, ये बात कही थी फैराडे ने। इसीलिए यहाँ पे चैप्टर की भी शुरुआत होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी विल जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, पर कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है। फिजिकल कॉन्टेक्ट ना तो हमने पहले एक्सपेरिमेंट में किया, ना सेकेंड एक्सपेरिमेंट में किया, ना थर्ड एक्सपेरिमेंट में किया, फिर भी यहाँ पे करंट जनरेट हो रही है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब जनरेट होना, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है। तो समअप अगर मैं करता हूँ फैराडे लॉ को, तो बेटा मैं लिखूंगा ई इक्वल टू, मैं इस चीज को हटा रहा हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं समअप करूं पूरी चीजें तो मैं लिखूंगा ई इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, EMF equal to rate of change of flux. This statement was proposed by Faraday law. A great scientist by Faraday law. Then समझ में आ गया, बहुत important है, बहुत important है। अभी हम next slide में हम लोग पढ़ेंगे कि flux किस किस चीज़ों पर depend करता है, कैसे क्या क्या way है मेरे पास कि मैं flux को change कर सकता हूँ। पढ़ते हैं आगे बेटा। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं flux की। flux होता क्या है, total number of magnetic field lines passing through given area. टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। मैं इसको यहाँ पे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नाउ सपोज हमारे पास बेटा एक एरिया है, कोई भी एक एरिया है, इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लो यहाँ पे ए एरिया है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बच्चों बी डॉट ए, वेयर बी इज दी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए इज दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड व्हेन वी रिमूव दिस डॉट प्रोडक्ट व्हाट वी गेट बी ए कॉस थीटा, हमें बी ए कॉस थीटा मिलता है। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे कॉस कंपोनेंट लगेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जो बच्चे गलती करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है थीटा, यहाँ पे गलती होगी। थीटा पता क्या है, थीटा है बेटा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। डन। नाउ सपोज मेरे पास कोई शीट है, मेरे पास कोई शीट है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नॉर्मल। एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू प्लेन होता है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नॉर्मल होगा। मैग्नेटिक फील्ड सपोज इधर से आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है, मैंने उसके बीच में ये कॉपी रख दी, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, एंगल कितना 90 डिग्री। फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, एंगल कितना 90 डिग्री। कॉस 90 कितना 0, मतलब कोई फ्लक्स ही नहीं वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कोई फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस होगा तो कोई ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा। डन। मैंने कॉपी रख दिया इस तरह, मैंने सीट रख दी इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ से आ रही थी, अगर इधर से देखूंगा एरिया वेक्टर इधर, इधर से देखूंगा एरिया वेक्टर इधर, अगर इधर से नोटिस कर रहा हूं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा कितना 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, तो फ्लक्स कॉस 0 कितना मैक्सिमम। इस केस में मुझे फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा, तो ईएमएफ भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। आया ना, समझ में आया, समझ में आया। तो फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। अगर मुझे फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, मुझे फ्लक्स चेंज करना है, चाहे तो प्रोड्यूस करना है या फिर मुझे चेंज करना है, या तो मुझे प्रोड्यूस करना है या तो मैं चेंज करना है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके मैं फ्लक्स चेंज कर सकता हूँ, एरिया चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकता हूँ, या फिर थीटा को चेंज करके मैं फ्लक्स को चेंज कर सकता हूँ।
तीन तरीके होते हैं जिससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, और इन तीनों तरीके से हम ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ईएमएफ किसके बराबर होता है, डी पाई बाई डी टी के बराबर। नाउ डन, अगेन सेम थिंग इज रिटन हियर, व्हेन मैक्सिमम फ्लक्स व्हेन वी गेट व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, और वी कैन से दैट कॉस जीरो इज व्हाट वन, एंड थीटा जीरो हमें कब मिलेगा, व्हेन देयर इज अ सिमिलैरिटी, देयर इज अ नॉट सिमिलैरिटी, देयर इज अ सेम डायरेक्शन, किसका सेम डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का सेम डायरेक्शन है, तो थीटा जीरो डिग्री। अब सेम डायरेक्शन में बताया बच्चे क्या कहेंगे, सेम डायरेक्शन में बताया बच्चे क्या कहेंगे, हाँ इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कॉपी ये रखी है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, तो एरिया वेक्टर यहाँ पे ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो आपको फ्लक्स कितना मिलेगा, जीरो। और अगर एरिया ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, या फिर ऐसे आ रही है, कैसे भी आए, अगर उसके पैरेलल आपने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, जीरो डिग्री। अब पता है यहीं पे बच्चे गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे सुनिए जरा, मैंने कॉपी को रखा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऐसे, एंगल कितना, बच्चा बोलेगा सर 90 डिग्री, नहीं बेटा एंगल यहाँ पे है जीरो डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, इस चीज का ध्यान देना, यही गलती होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेंस लॉ, बहुत सही टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसने इन्होंने बताई हमें। फैराडे के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेंस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। लेंस लॉ में हमें क्या पता चला कि भैया फैराडे ने कहा कि इक्वल टू किसके बराबर होता है, डी पाई बाई डी टी के बराबर, है ना, ये हमें क्या पता चला कि जब कभी भी बच्चों फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, जब कभी भी फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ बन जाएगा, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो एक सर्कुलर लूप हो, या कोई भी क्वाइल हो, उसमें ईएमएफ बन जाएगा। लेंस ने कहा नहीं भैया, आप कह तो सही रहे हो कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बन जाएगा, पर इसकी एक कंडीशन है, ये जो ईएमएफ बनता है बेटा, ये ऑलवेज अपोजिंग नेचर का बनता है, अपोजिंग नेचर का, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, ये जो फ्लक्स बनता है, ये जो ईएमएफ बनता है, ये ऑलवेज अपोजिंग नेचर का बनता है, और किसको अपोज करता है, जिसने इसे प्रोड्यूस किया, जिसने इसे प्रोड्यूस किया, ये कहा लेंस ने। लेंस ने कहा ईएमएफ बनता तो है, पर ये किस हिसाब से बनता है, ये हमेशा जिस फील्ड ने इसको प्रोड्यूस किया उसी फील्ड को ये अपोज करता है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे हम लगा देते हैं माइनस का साइन, और ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है, मॉडिफाइड फॉर्मूला, इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट थिंग इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में बेटा आपको क्या ध्यान देना है, जब कभी भी कोई भी रॉड अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एंटर करती है, अगर कोई भी रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एंटर करती है, तो वहां पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वो ईएमएफ ऑलवेज अपोजिंग नेचर का होगा, लेंस ने हमें कहा। तो मोशनल ईएमएफ में जो ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, जैसे एक डायग्राम भी है हमारे पास, एक रॉड है, ये किसी फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे है, स्पीड वी से मूव कर रहा है, और हमसे पूछा जाए बताइए यहाँ पे कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ जो यहाँ पे बच्चों प्रोड्यूस होता है वो ईएमएफ होता है ई इक्वल टू बी वी एल। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ई इक्वल टू क्या ध्यान में रखना है, बी वी एल, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, वी इज द वेलोसिटी, एंड एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, वेयर एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। बोलो जी, यहां तक बात समझ आई बेटा, यहां तक बात समझ आई, जल्दी बताओ। डन, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस करंट अप्लाइंग ओम्स लॉ, बहुत सही। अभी हमने सर पढ़ा ईएमएफ जो होता है वो होता है डी पाई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव साइन, वे आर नेगेटिव इंडिकेट दैट ईएमएफ ऑलवेज अपोज दी कॉज, जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, जो कारण है उसी को अपोज करेगी। अगर सपोज स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे करंट फाइंड करना हो, तो करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है वी बाई आर होता है सर, या फिर हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई बाई आर, तो ये हमारे पास इंड्यूस करंट का फॉर्मूला हो जाता है। अगर मैं पिछले टॉपिक में ही बात करूं कि बताओ यहाँ पे इंड्यूस करंट कितना होगा, तो आप कहोगे सर आई इक्वल टू ई बाई आर, और ई हमारे पास कितना है, बी वी एल अपॉन रेजिस्टेंस आर, ये यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। बोलो जी, क्लियर,
क्लियर बच्चों, जल्दी बताओ, मैसेज कर दो जल्दी से, क्लियर इतनी बात, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेटा हमने इमोशनल ईएमएफ तो पढ़ लिया है, अब इस इमोशनल ईएमएफ में नंबर ऑफ केसेस होते हैं। कैसे? अगर मान लो हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, किस तरह का रीजन है? डाउनवर्ड रीजन है। हम किसी रॉड को मूव कर रहे हैं तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा? बीवीएल। अगर इसी रॉड को बेटा मैं इस फील्ड में कुछ एंगल पे मूव कराऊं, मतलब अल्फा एंगल पे मूव करा दूं, तब कितना ईएमएफ जनरेट होगा? तो इसमें नंबर ऑफ केसेस बनते हैं। दो दो रॉड को हमने मूव कराया तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, उसमें फिर और केसेस बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट जो आप कर रहे हैं या जहां से भी कर रहे हैं वहां से इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? इमोशनल ईएमएफ का तो मैंने आपको जस्ट एक क्या दिया, इंट्रो दिया है कि भैया इमोशनल ईएमएफ होता क्या है, बेसिक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है। पर एक चीज़ का ध्यान देना, इमोशनल ईएमएफ में फिर नंबर ऑफ केसेस बनते हैं, उन चीज़ों को बहुत ध्यान से देख लेना और बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये टॉपिक हमारा हो गया है। नाउ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है बेटा? जब कभी भी किसी भी कॉइल में, जब किसी भी कॉइल में कोई करंट फ्लो होती है, कोई आई करंट फ्लो होती है, तो ये कॉइल क्या करता है? उस करंट का अपोज करता है। ये कॉइल क्या करेगा? इस ग्रोइंग करंट का अपोज करेगा, अपोज करेगा। फिर से, जब कभी भी किसी भी कॉइल में करंट फ्लो होगी तो उस कॉइल में एक फ्लक्स जनरेट होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, फ्लक्स जनरेट होगा। ये जो फ्लक्स जनरेट होता है ये प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जितनी करंट इसमें फ्लो होगी उतना ज्यादा इसमें फ्लक्स चेंज होगा। अभी हमने पढ़ा फ्लक्स किसके बराबर होता है? बी ए कॉस थीटा। डन। तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लगता है, दैट इज एल एंड आई, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एंड इट इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। बोलो जी, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? बेटा इतनी बात क्लियर होगी? L इक्वल टू फाइव अपॉन आई, वेयर L इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड फाइव इज द फ्लक्स एंड I इज द करंट। अब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो होता है ये एक और फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, और वो फॉर्मूला क्या है? L इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n इनटू A। ये हम लोग डिराइव करते हैं किसी लॉन्ग सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्शन कितना होता है, म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n इनटू A। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न। एंड ए इज एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया होता है इसको हम ए बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन की हम बात करते हैं, सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। हमारे पास दो क्वाइल हैं, हमारे पास दो क्वाइल हैं। एक क्वाइल में अगर बेटा हम करंट देंगे आई वन, तो दूसरे क्वाइल में क्या होगा? फ्लक्स जनरेट होगा। अब सर ये कैसे हो रहा है फ्लक्स? इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। चलो फिर से बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देते हैं, बेसिक चीज तो बता ही देते हैं आप लोगों को। अगर इस कॉइल में मैं करंट दूंगा तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? सर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, होगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो सारी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पहुंचेगी, इस कॉइल से लिंक होगी। अब ये कॉइल क्या है? शांत पड़ा हुआ था, इस पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये उसका अपोज करेगा। और अपोज कैसे करेगा? अपना ईएमएफ क्रिएट करेगा, ईएमएफ बनाएगा और इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। ईएमएफ बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी अपोज करेगा। और अगर बच्चों ये सर्किट कंप्लीट हुई, गैलोमीटर लगा दिया आपने, तो यहां पे करंट फ्लो हो जाएगा। और यही तो प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का, म्यूचुअल इंडक्शन, यही तो प्रिंसिपल होता है। तो यहां पे मान लो ये कॉइल सेकंड है, ये सेकंड कॉइल है, ये फर्स्ट कॉइल है, तो सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? फर्स्ट कॉइल के करंट के। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं फाइ टू इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट आई वन। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। बोलो बच्चों, समझ में आया यहां तक? डन, क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ओवरऑल अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, मैं इसको रब कर देता हूं, तो ओवरऑल अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, जो हमें नीट के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो मुझे याद रखना है, वो है बच्चों, चाहे मैं एम वन टू कहूं या फिर एम टू वन कहूं, ये किसके बराबर होता है? ये होता है म्यू नॉट एन वन एन टू साथ में ए अपॉन एल।
म्यू नॉट एन वन एन टू साथ में ए अपॉन एल। यहाँ पे जो एरिया आ रहा है हमारे पास, जो एरिया आ रहा है इंपॉर्टेंट ये है, ये जो एरिया आ रहा है ये कौन सा एरिया होता है, ये हमेशा स्मॉल कॉइल का एरिया होता है, स्मॉल कॉइल का एरिया। तो फिलहाल बच्चों जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट एडी करंट। एडी करंट, अब ये एडी करंट क्या होता है, एडी करंट क्या होता है, एडी करंट ये होता है बेटा जब कभी भी किसी भी मेटल के ब्लॉक को, किसी भी कंडक्टिंग ब्लॉक को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें रीच करेगी, मैग्नेटिक फील्ड रीच करेगी तो ये क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने के लिए अपने चार्ज पार्टिकल को रोटेट करेगा, अपने चार्ज पार्टिकल को रोटेट करेगा, चार्ज पार्टिकल को रोटेट करेगा अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये कोई प्योर कंडक्टर नहीं है, कॉपर की वायर नहीं है, किसका रेजिस्टेंस कम होगा भाई साहब, जबरदस्त रेजिस्टेंस होगा, एक एक आयरन क्यूब का जबरदस्त रेजिस्टेंस होता है। अब उसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं ताकि इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सकें, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है बहुत जबरदस्त वाला, और वो रेजिस्टेंस के कारण ये खुद में क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, खुद में पिघल जाता है। इसीलिए आजकल हम लोग फर्नेस में, आजकल जहां पे फैक्ट्री होती है, जहां पे हम लोग रीकास्ट करते हैं, रीमोल्ड करते हैं आइटम्स को, लोहे को पिघलाने का काम, अब जला के लोहे को भट्टी में डाल के नहीं पिघला जाता है, अब लोहे को क्या किया जाता है, पूरे कबाड़ को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रख दिया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं और आप उसे रीकास्ट कर सकते हो। इसका उपयोग हम लोग लोकोमोटिव में करते हैं ब्रेक के तौर पे, इसका उपयोग हम लोग रेल गन में करते हैं एडी करंट का, ये कहीं कहीं हमारे लिए यूजफुल है जैसे ट्रेन के ब्रेक्स में, और कहीं कहीं बहुत नुकसानदायक भी है जैसे ट्रांसफार्मर में। तो एडी करंट को कम करने के लिए तरीका क्या है कि आप क्या कर दो, एरिया को कम कर दो, एरिया को कम कर दो, जितना कम एरिया करोगे उतना ज़्यादा फ्लक्स, उतना कम फ्लक्स जनरेट होगा और उतना कम एडी करंट प्रोड्यूस होगा, उतना कम एडी करंट प्रोड्यूस होगा। फिलहाल बच्चों एक समराइज करता हूं, थ्रू आउट कंटेंट तो अभी मैंने दिया नहीं है आप लोगों को, अगर थ्रू आउट कंटेंट चाहिए होगा इस चैप्टर का सेंचुरी डिफेंस एकेडमी से तो आपको जुड़ना पड़ेगा। और एक और खास करके ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं देखेंगे उन लोगों के लिए एक न्यूज़ और है कि सेंचुरी डिफेंस एकेडमी में एक प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है, एक टेस्ट लॉन्च होने जा रहा है, SRNTH टेस्ट, उसको अगर आप लोग अवेल करते हो, उसको आप परफॉर्म करते हो तो आपको कुछ नहीं बहुत कुछ आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिससे आप सेंचुरी डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे तो इसका मतलब कन्फर्म है कि आप नेक्स्ट ईयर का नीट क्रैक करके MNS के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिलहाल कुछ और छोटी छोटी बातें मैं कह सकता हूँ आप लोगों को, जितना हो सके रिकैप कीजिए, जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, जितना हो सके फॉर्मूले की फॉर्मूला प्रैक्टिस और रिव्यू, फॉर्मूला प्रैक्टिस जितना हो सके, नीट मतलब सिर्फ फॉर्मूला, जितना हो सके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए, कैसे न्यूमेरिकल, सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, और जितना हो सके फॉर्मूले की शीट प्लेस कार्ड बना के अपने टेबल के पास रख लीजिए, जिससे क्या होगा आपका वो चैप्टर बार बार उसको देखते रहोगे तो रिवाइज हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। फिलहाल बच्चों क्लास आपको कैसी लगी, ये कंटेंट कैसा लगा, और इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की क्लासेस के लिए, इसी तरह के क्लासेस की वीडियोस के लिए कंप्लीट पैकेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए आप सेंचुरी डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर जो आपकी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज आते रहेंगे वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं ऑफिशियल टाइम ऑफिशियल टाइम पे। और क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसे लगा कन्फर्म मुझे बताइएगा चैट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में। तब तक लिए थैंक यू बच्चों एंड जय हिंद।